सो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल आइडिया जो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें आप लोग इस पर वीडियो आप बनाते हो, इस कंटेंट पर अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपका पक्का है कि वीडियो आपका ग्रो होगा, वीडियो वायरल होगा और आपका जो चैनल है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा दोस्तों। ये एक ऐसा कॉन्टेंट दोस्तों कि अगर इस कॉन्टेंट को बनाते दोस्तों तो इसमें आप थोड़ा सा भी बोर नहीं फील करोगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनका जो चैनल होता है वह चैनल खोलकर आप लोग को सबसे पहले मैं दोस्तों दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते दोस्तों, इसका जो चैनल का नेम है वो VMNG नेशन है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसका जो कंटेंट है वो गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट है, वो भी कार रेसिंग वाला, ठीक दोस्तों। आप लोग मैं यहां पर दिखा दूं, जैसे दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर देख दोस्तों कि इसका जो पॉपुलर वीडियो जो कि सिर्फ जो कार जो रेसिंग वाला वीडियो होता है वो मतलब प्ले स्टोर से गेम का जो मतलब जो आप देखेंगे कार रेसिंग वाला वीडियो को वहां से डाउनलोड करता है, सिर्फ वहां से मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, इसमें नहीं कोई फेस है, ठीक है, नहीं इसमें कोई वॉइस ओवर करना पड़ता है और सिर्फ यहां पर गेम को खेलकर यहां पर अच्छे खासे अर्निंग को जनरेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कार रेसिंग वाला जो चैनल है और इस पर कार रेसिंग से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करके ये बहुत ही अच्छे खासे अर्निंग को जनरेट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे यहाँ पर वीडियो मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख सो दोस्तों 10 दिन पहले यहाँ पर अपलोड किया रिसेंटली में दोस्तों, और यहाँ पर देख सो दोस्तों 1,78,000 इसका व्यूज गया। और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर की बात करें दोस्तों, आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ कि 1 ईयर पहले यहाँ पर वीडियो को अपलोड किया है और यहाँ पर 159 मिलियन व्यूज गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके जस्ट नीचे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 147 मिलियन व्यूज है, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही व्यूज आता है। और इसके जो मतलब सब्सक्राइबर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर को देख सकते हो दोस्तों, 4.29 मिलियन सब्सक्राइबर है और सिर्फ 239 वीडियोज को अपलोड किया है, जो कि बहुत ही कम है। और दोस्तों मैं इसका जो अर्निंग प्रूफ होता है वो भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं इसका जो सबसे पहले कब ज्वाइन लिया, यूट्यूब पर कब ज्वाइन लिया, वो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 16 मई 2021 को लिया, ठीक है, और यहाँ पर 23 हो गया, मतलब 3 साल में ये इतना जल्दी ग्रो कर गया। और यहाँ पर मतलब कि गेमिंग से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोग एक प्रूफ भी दिखाता हूँ कि इसका जो गेमिंग से रिलेटेड अगर ये कार वाला रेसिंग वीडियो डाल रहा है तो उसका जो मतलब इसका जो चैनल वो मोनिटाइज है कि नहीं है, ठीक है, ये जो अर्निंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं इसका कोई भी एक वीडियो को मैं प्ले करके आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर कोई भी इसका गेम मतलब वीडियो को मतलब कि चला दिया हूँ, ओपन कर दिया हूँ और यहाँ पर कुछ ऐड आ गया, तो सबसे पहले हम इस ऐड को चलने देंगे और यहाँ पर ऐड को हम स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि आप लोग बहुत सारे गेमर को देखे होंगे कि वहाँ पर लाइव स्ट्रीम करके सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड वीडियो को यहाँ पर कार रेसिंग वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो को करके यहाँ पर मतलब कि अपलोड करता है अपने यूट्यूब पर और यहाँ से अच्छे खासे अर्निंग को जनरेट करता है। इसमें थोड़ा सा भी आप लोग वोर फील नहीं करने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गेम होता है, आप लोग गेम खेलो और वहाँ पर सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, इसमें थोड़ा सा आप लोग एडिटिंग कर दो और अपने यूट्यूब पर अपलोड करो, एक वीडियो वायरल नहीं होगा, दो वीडियो वायरल नहीं होगा, तीसरा वीडियो पक्का है कि वायरल हो गई होगी। ये ऐसा कॉन्टेंट है, इस पर कोई भी मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिखा दो कुछ इस तरह से यह मतलब कि वीडियो को अपलोड करता है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। और यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे साइड में आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हो थैंक्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि थैंक्स उसी पर लगता है जिसका चैनल मोनिटाइज होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को तो पता ही होगा, इतना बात तो एकदम बहुत ही मतलब क्लियर रूप से आपको पता होगा कि थैंक्स उसी पर लगता है जिसका चैनल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोनिटाइज होता है, उसी पर यह थैंक्स का आइकन आता है, ठीक है। तो आप भी कहीं इससे रिलेटेड वीडियो आप डालोगे तो आपका भी चैनल जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। और दोस्तों मैं जो इसका मतलब लाइव प्रूफ के साथ जो इसका मतलब कि अर्निंग प्रूफ होता है वो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करके यहाँ से मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर मैं ब्राउजर में जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ जैसे सोशल ब्लेंड में, ठीक है, जैसे सोशल ब्लेंड में आपको बहुत सारे जैसे होते हैं ये कितना अर्निंग कर रहे हैं, मंथली अर्निंग कितना कर रहे हैं, वो सारे का सारे इसमें बता देता है, ठीक है दोस्तों। तो यह मैं यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ और दोस्तों मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, यहाँ पर इसका जो चैनल का नाम है वो VMNG नेशन है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते अपलोड 239 वहाँ पर मैं बताया हुआ था। और यहाँ पर सब्सक्राइबर की बात करूँ तो 4.39 मिलियन है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनका जो मतलब कि मंथली इनकम कितना से कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों 3,000 से 52,000 डॉलर तक की अर्निंग कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ गेम भी खेलता है और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा एडिट करता है, नहीं इसमें कोई फेस है, नहीं इसमें कोई वॉइस ओवर करता है। और ये डायरेक्टली मतलब 3,000 से 3,000 से लेकर 52,000 डॉलर तक की ये अर्निंग कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे साइड में देख सकते दोस्तों इसका जो वीडियो का जो व्यूज है वो किस तरह से यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सब्सक्राइबर की तो मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से इसका जो मतलब कि अर्निंग प्रूफ है। तो दोस्तों आप लोग इसमें ऐसा कॉन्टेंट आप कैसे क्रिएट करोगे, कहाँ से लाओगे, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होगा,
प्ले स्टोर है, ठीक है दोस्तों। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के बार पर आपको सर्च के बार पर आपको सर्च एक्सट्रीमली कार ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पर कार ड्राइविंग को मतलब कि क्लिक, और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से जो इसका आइकन होता है वो आ जाएगा, और यहाँ से आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कर लेना, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ। आप लोग को प्ले करके दिखाया तो कि आपको किस तरह से खेलना है और किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्ले पर क्लिक करता हूँ, और दोस्तों मैं जैसे प्ले पर क्लिक करता हूँ दोस्तों कुछ इस तरह से जो इसका खुलने का आइकन आएगा और कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। तो इसका जो साउंड रहता है मैं साउंड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं पूरी एडिटिंग इसमें कैसे खेला जाता है, कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया जाता है और किस तरह से हम एडिट करेंगे ताकि कोई भी कॉपीराइट वगैरह या कोई भी रियूज कंटेंट नहीं आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पर लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ देर वेट करेंगे जब तक ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है दोस्तों। और नीचे जैसे आप देख पा रहे हो कि लेट्स गो का ऑप्शन मिल रहा होता है, वो सिंपली से लेट्स गो पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर ड्राइव नाउ का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पर ड्राइव नाउ पर क्लिक करना है, और ड्राइव नाउ पर क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर कट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं जैसे डाटा खोला हूँ तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम यहाँ पर ट्रैफिक मोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग ले रहा है, ठीक है। और जैसे ही लोडिंग ले लगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दें, यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका जो डाटा होता है मैं डाटा को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी ऐड वगैरह नहीं आएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो तो कुछ इस तरह से इसका जो ऐड है ऐड भी रिमूव हो गया है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ पर ये वाला है, और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैसे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कटर मतलब टक्कर मार दिया है। एंड दोस्तों यहाँ से मतलब कि बढ़ा सकते हो, आगे ड्राइव कर सकते हो, और यहाँ से ब्रेक मार सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आप गेम को खेल लोगे। और दोस्तों कोई भी मतलब कोई भी एप्लीकेशन, जैसे दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग कर लेना दोस्तों। तो आपको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, रिकॉर्डिंग करने के बाद यहाँ पर सिंपली से गेम को जैसे खेलते हो, जैसे इंजॉय लेते हो, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर गेम को इंजॉय लेना है, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग कर लेना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली से कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। और कैसे आप एडिटिंग करोगे इस गेम को ताकि कोई भी कॉपीराइट वगैरह कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, वैसे हम दोस्तों ऐसे गेम पर आप गेम को खेलोगे और अपने चैनल पर डालोगे तो कोई भी कॉपीराइट वगैरह कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगा। क्यों दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि बहुत सारे गेमर है जो कि लाइव स्ट्रीम करके या अपने वीडियो मतलब सिर्फ मतलब जो गेम खेलते हैं उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर डालता है, तो कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आता। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने काइन मास्टर के ऊपर, और वहीं पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ऐसे गेम को आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं ताकि कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने काइन मास्टर के ऊपर। सो फाइनली दोस्तों मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर काइन मास्टर में आ चुका हूं। तो दोस्तों आप लोग को यहां पर करना क्या होगा, आप जो भी गेम को स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हो उसको आप मीडिया पर क्लिक करके यहां से आपको ऐड कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे यहां पर मैं शेयरमी पर क्लिक करता हूँ, और जो भी मैं वीडियो को यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हूँ उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप ऐड करोगे दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लास्ट पोजिशन में जैसे ही एक गेम को हम एंड करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो आइकन होता है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक दोस्तों। तो आपको यहां पर करना क्या होगा, जहां से इसका जो आइकन दिख रहा है उसको सबसे पहले हम यहां पर रिमूव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहां पर अदर पार्ट है, इसको हम यहां पर क्या करेंगे, वीडियो को सबसे पहले यहां पर सेलेक्ट करेंगे। एंड दोस्तों उसके बाद यहां पर ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करके यहां पर ट्रिम राइट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ट्रिम राइट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसका जो बेकार की पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक दोस्तों। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहां पर करना क्या होगा, जो इसका स्टार्ट पोजिशन होता है वहां पर हम लोग को चले जाना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि हम स्टार्ट पोजिशन पर आ चुके हैं, तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि गेम स्टार्ट होने से पहले यहां पर पूरी तरह से ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पर करना क्या होगा, जहां से गेम स्टार्ट हो रहा है वहां से सबसे पहले आपको देख रहा है कि गेम कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि गेम जो मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप हम करेंगे क्या, वीडियो को सबसे पहले हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, एंड फिर से आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, यहां पर ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही कट कर लेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर कुछ इस तरह से स्टार्टिंग भी हो रहा है, तो कुछ भी ब्लैक शैडो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एक बात के यहां पर क्लियर देख रहे होंगे कि ऊपर साइड में, नीचे साइड में और लेफ्ट साइड में यहां पर ब्लैक शैडो दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस ब्लैक शैडो को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पर करना क्या होगा, वीडियो को सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड जैसे ही वीडियो को सेलेक्ट करते हो तो यहां पर थोड़ा सा पैन एंड जूम का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको यहां पर पैन एंड जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहां पर वीडियो को दोनों फिंगर के माध्यम से आपको थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक दोस्तों। और जैसे ही जूम कर लेते हैं दोस्तों, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कुछ इस
थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम और जूम कर लेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। एंड दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टार्ट पोजिशन लेफ्ट राइट साइड में, तो यहाँ पर स्टार्ट पोजिशन और एंड पोजिशन को दोनों को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। एंड जैसे ही इक्वल कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो भी ब्लैक शैडो था वो रिमूव हो चुका है, एंड अपर साइड में और नीचे साइड में जो भी ब्लैक शैडो दिख रहा है वो देखने में भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नहीं भी रिमूव करोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इस ब्लैक को आप मतलब कि रिमूव करना चाहते हो या व्हाइट बैकग्राउंड या अलग बैकग्राउंड या ब्लैक जगह पर कोई अदर कलर को लेना चाहते हो तो वो भी बहुत ही आसानी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लेयर पर क्लिक करोगे और यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज स्टेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर व्हाइट ब्लैक जो भी आप येलो कलर को ले सकते हो, जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करके क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा इस तरह से आपको जूम कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली से क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, और नहीं तो ब्लैक ही रहने दोगे फिर भी बेस्ट लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपने देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से ब्लैक रहेगा फिर भी ये दिख रहा है और यहाँ पर गेम कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी होगी कि इसमें कुछ हार्ड लेवल का एडिटिंग नहीं होता है, यहाँ पर जो ब्लैक शेडर होता है उनको रिमूव करना पड़ता है या कुछ कुछ मतलब इसमें कुछ एडिटिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें अपना कोई नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों इसका जो मतलब गेम का जो भी ओरिजिनल साउंड होता है वो भी आप रहने दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा कि मतलब कि कोई भी आप यूट्यूब पर देखे होंगे कि लाइव स्ट्रीम कर रहा शो या मतलब बहुत सारे ऐसे गेम को आप देखे होंगे कि जो कि सिर्फ मतलब कि वहाँ पर गेम स्ट्रीम करता रहता है उसका जो ओरिजिनल जो साउंड होता है वो भी चलता रहता है लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कॉपीराइट वगैरह नहीं आता, ठीक दोस्तों। तो आपके भी वीडियो के ऊपर कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, ये 100% है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मतलब कि जो नो कॉपीराइट ही इसका साउंड होता है। एंड दोस्तों अगर आप लगाना चाहो फिर भी लगा सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो आपका ऑडियो लाइब्रेरी होता है वो ऑडियो लाइब्रेरी खुल जाएगा और जो भी बैकग्राउंड को आप डाउनलोड किया तो वहाँ से आप उस फाइल में से जाकर आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से कुछ हार्ड लेवल का एडिटिंग नहीं होता है, बहुत ही आसानी से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एडिटिंग करके यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी क्वालिटी को यहाँ रखना चाहते हो वो क्वालिटी का आप रख यहाँ पर वीडियो को सेव कर लोगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो जो कि आप लोग को मिलता रहे। सो फिर मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।